और कई हिंदुवादी संगठन लगातार फिल्म के किरदारों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिल्म के जारी किए गए टीजर पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म के डायरेक्टर ओम रावत को चिट्ठी लिखी है और कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने इसे लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ बताया है। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। ये आस्था पर कुठाराघात है, ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं और मैं इसके जो निर्माता हैं ओम रावत जी उनको पत्र लिख रहा हूँ कि इस तरह की जितने भी दृश्य हैं इन्हें वो हटाएं। अगर वो नहीं हटाते हैं तो उसके बाद में हम कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। जो टीजर हमने देखा है उसमें जिस ढंग से उनके वेशभूषा को पहनाया गया उसको मैं उचित नहीं मानता। उस पर संत समाज ने भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है। संत समाज की राय एकदम सही है और किसी को भी हिंदू धर्म पे सनातन धर्म पे छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं है और इस प्रकार की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने से लोगों को बचना चाहिए। फिल्म आदि पुरुष का टीजर रिलीज होते ही विवाद खड़ा हो गया। इस फिल्म में सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाया लेकिन सैफ अली खान के लंकेश वाले इसी लुक पर हंगामा खड़ा हो गया। कई हिंदू धर्म गुरुओं ने सवाल खड़े कर दिए और फिल्म आदि पुरुष में हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। असल में उनको सैफ अली खान के रावण वाले किरदार पर सबसे ज्यादा आपत्ति है। रावण बने सैफ के स्पाइक्स वाले बाल हैं, उन्होंने आंखों में सुरमा लगा रखा है और उनके माथे से तिलक गायब है और फिल्म में रावण बने सैफ अली खान का यही लुक कुछ धर्म गुरुओं को खटक गया जिसके बाद उन्होंने आदि पुरुष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हिंदू महासभा ने रावण वाले किरदार की तुलना खिलजी और चंगेज खान से कर दी। रावण का आपने इस्लामीकरण कर दिया, रावण का मतलब आप इस्लामिक आतंकी के रूप में दिखा रहे हो। तो रावण ही नहीं फिल्म में हनुमान की वेशभूषा पर भी सवाल उठ गए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हनुमान का जिक्र करते हुए डायरेक्टर ओम राउत को एक चिट्ठी लिखी और फिल्म से आपत्तिजनक सीन हटाने को कहा। उन्होंने धार्मिक भावना को आहत करने का आरोप लगाया। अब हनुमान जी कई अंग वस्त्र जो है चमड़े की उसमें दिखाए गए। फिल्म आदि पुरुष में प्रभास, सैफ अली खान और कृति सनन मुख्य भूमिका में है जो अगले साल 12 जनवरी को सिनेमाघरों में आएगी। गुजरात यूनिवर्सिटी को बड़ी सौगात मिली।